हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए आज स्कॉर्पियो से आ गए और विनायका ऑटोमोबाइल्स जो कि देवरिया में स्थित है यहाँ पर हम आए हुए हैं। काफ़ी दिनों से आप लोग से हमने वादा किया था कि हम जो है 2019 का मॉडल दिखाएंगे और आप लोगों 2018 का मॉडल ही दिखा के फिलहाल हम जो है अभी वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि अपने पास भी काम बहुत है और काम ज़्यादा होने की वजह से जो है हम आप लोगों को वीडियो बना के दिखा नहीं पाए। लेकिन जो है आज हम आ गए हैं, हम लोग जो है आज आ गए हैं विनायका ऑटोमोबाइल अपनी स्कॉर्पियो से और हम लोग आज इस 2019 के मॉडल का पूरा रिव्यू करेंगे और ये हम बताने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ इसका जो है इसको सही किया गया है और कहाँ कहाँ चेंजिंग है इसमें। आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और बाकी अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, आपको लाइक करने में आपको कोई खर्च नहीं। आज हम आ गए हैं फिर विनायका ऑटोमोबाइल्स देवरिया, 2019 का मॉडल जो है यहाँ तैयार है और यहाँ पर जो है ये तो पुराना वाला ही है 2018 वाला। हम आज आप लोग को 2019 का मॉडल आज आप लोग को मैं दिखाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। देखिए ये है 2019 का जो है हार्वेस्टर, ये सोनालिका पे है, सोनालिका 55 और एक जो है ये और उधर तैयार हो रहा है, फाइनल टच में वो भी आ रहा है और फाइनल टच में इसको भी दिया जा रहा है, ये भी लगभग फाइनल टच में ही है। और अवनीश जी देखिए अपना ये जो है फोरमैन लोग के साथ, ये भी फोरमैन से ज़्यादा जानकार हैं, ये भी अपना करते रहते हैं कुछ कुछ, पूरा असेंबलिंग वगैरह सिस्टम सब कुछ ये समझ चुके हैं इस हार्वेस्टर के बारे में और अन्य हार्वेस्टरों के बारे में। ये फाइनल टच में है और इसका जो है ये सोनालिका 55 कैटेगरी पावर में जो है आरएक्स के ऊपर लगा हुआ है और देखा जाए इसमें पहले से मजबूती कम नहीं हुई है बल्कि मजबूती बढ़ा दी गई है। प्लेट्स देखिए, ये आगे का प्लेट आगे पूरा फाइनल यहाँ तक है, ये पूरा जोड़ा गया है वहाँ तक और बाकी सारी चीज़ें पहले से और भी मजबूत मुझे लग रही हैं, ठोस में बनाया गया है इसको। और आगे अब लाइट्स की भी व्यवस्था है, आगे लाइट्स लग गए हैं इसमें और लाइट की वजह से जो है ये मशीन अब रात में, चूंकि गेहूं की कटाई रात में भी होती है तो ये मशीन रात में भी चलने के लिए उपयुक्त है। और यहाँ पर इसका जो है एक्चुअली इसमें होता है पहले से डिस्ट्रीब्यूटर, तो डिस्ट्रीब्यूटर में इसको असेंबल कर दिया गया है, इसके पाइप को जो पीछे हाइड्रोलिक से आया हुआ है। और जो है यहाँ ऊपर छतरी लगाने के लिए जो है कपड़ा सिलने के लिए बना दिया गया है जगह, ये यहाँ कपड़ा सिला जाएगा और धूप से बचने के लिए जो है ड्राइवर को सहूलियत हो जाएगी। फिर पीछे जो है ये टैंक लग गया है जिस टैंक की हम लोग बार बार बात कर रहे थे, पीछे बैक लाइट भी लग गया है और दूर से देखने पे मशीन कुछ ऐसी दिख रही है। इसमें जो है बैक लाइट दोनों तरफ लग गया है और बाकी जो है टूल बॉक्स वगैरह भी लग चुके हैं, फाइनल टच में है मशीन, ये पूरा असेंबलिंग अभी जो है ये देखिए ये इसके अंदर का सिस्टम सब है। और इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट ये देखिए हमारे सर से कुछ है ज़्यादा ही है, हम लगभग 6 फीट के हैं तो 6 फीट से उस हिसाब से तो थोड़ा ठीक ही है।
और ठीक है ठीक है ओके ओके ये मशीन आगे कर रहे हैं चला के देख रहे हैं चलने में सही है मशीन हल्की चलती है अच्छा ये पुल्ली की साइज जो है गाड़ियों के हिसाब से अलग अलग मुझे लग रही है क्योंकि उस वाले में ये इतनी छोटी नहीं थी लेकिन इसमें जो है गाड़ी चूंकि ये सोनालिका है इसकी वजह से पुल्ली का सिस्टम अलग लग रहा है और बाकी जो है पुल्ली अब फिर नई तरीके के ये आ रहे हैं बाकी जो है इधर तो ये अच्छा खासा मजबूती के साथ फंसा गया है इसका पकड़ तो जबरदस्त है इसकी पकड़ और भी मजबूत है पहले की मशीन से ये और भी मजबूत बनाई गई है जैसा कि मुझे लग रहा है ये देखिए इसका जो है ये सब भी मुझे बहुत हैवी ड्यूटी लग रहा है पहले इतना मजबूत मुझे नहीं लग रहा था लेकिन इसमें और ज्यादा मजबूती बढ़ गई है छतरी भी लग गई है इसका भी हाइट जो है लमसम 6.5-7 फीट कर दिया गया है 6.5 फीट के आसपास तो कर ही दिया गया है और बाकी जो है ये आपका हो गया टैंक जाली जिसमें भूसा स्टोर होगा और इसको खोलने का सिस्टम यहाँ से है ये हटाएंगे ये हटाया जाएगा और ये खुल जाएगा ये देखिए भूसा पूरा गिर जाएगा ठीक अच्छा इसका लॉक भी बहुत सही है बाकी जो है अमनेजी है लेकिन अभी व्यस्त है और इसकी ये फाइनल टच में है मशीन अब फाइनल टच होने के बाद ये अब निकल जाएगी कस्टमर को इसमें थोड़ी सी डिफरेंट एक चीज और लग रही है आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ जो दाना गिराने वाला है वो डिफरेंट है इसमें आप लोगों ने देखा होगा दाना गिराने वाला अब बीच में लेके जाया गया है जबकि पहले वाले में एक साइड में ही था अब जो है हम लोग इसको अभी रन करा के देखा जाएगा कि कैसे चल रही है हालांकि पहले से जो है कई चीजों में सुधार की गई है आवाज वगैरह भी कम हो गया है ताकि ये फोरमैन लोग अपना काम कर रहे हैं और हम लोग इन लोगों को बिना डिस्टर्ब किए अपना काम कर रहे हैं ये देखिए फ्रेंड्स ये है जो है भूसा अनलोडर एंड लोडर ये जो है ट्रैक्टर से सॉफ्ट से जुड़ जाएगा यहाँ से सॉफ्ट से जुड़ जाएगा यहाँ पटिए में लग जाएगा और ऊपर टपनिंग लग जाएगा और ये जो है उड़ जाएगा पूरा
और ये जो है काफ़ी बढ़िया, करीब 8-10 इंच का जो है ये पाइप है। इससे जो है लोड हो जाएगा ट्राली में, और या फिर आप चाहें तो भूसा जो है घर में लोड कर लें, घर में रख लें ट्राली में से। और पीछे इधर इधर जो है सेक्शन जोड़ने का जगह दिया गया है, थोड़ा सा इधर है, दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है यहाँ से जो है ये अंदर जुड़ जाएगा, इधर से सूखने के लिए लगा दिया जाएगा, ये सूख करके और जो है इधर ऊपर जो है ट्राली में लोड कर देगा। ट्राली में चाहे आपके घर में, चाहे जहाँ भी आपको सुविधा हो, इससे जोड़ के आप लोड कर लेंगे, तुरंत लोड कर लेंगे। ये एक नई चीज़ है विनायक ऑटोमोबाइल्स देवरिया में जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसका प्राइस मात्र जो है 28,000 रुपये है, ये 28,000 रुपये में आपको मिल जाएगा।